आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफ। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं, लेकिन इस वक्त जो है मैं माँ नर्मदा नदी के तट पर हूं, राजघाट पर हूं, जहां पर महात्मा गांधी जी की अस्थियां लाई गई थी। बड़ा महत्व है इस राजघाट का, लेकिन इस समय नर्मदा नदी उफान पर। जी हाँ, उफान पर इसलिए है कि अभी सरदार सरोवर के बांध खोले नहीं गए हैं और 126 मीटर से ज़्यादा ऊपर नर्मदा नदी बह रही है। खतरे के निशान से कहीं ज़्यादा ऊपर नर्मदा नदी बह रही है। ज़रा जितेन तस्वीर दिखाइए राजघाट की, किस तरह यहाँ पर जो मंदिर हुआ करते थे, जो आसपास के, वो सारे डूब चुके हैं। और डूबने की ये तस्वीर, ये इस समय तमाम तस्वीरें दिखाइए जितेन, जिस तरह से नर्मदा नदी उफान पर है और उफान होने के साथ साथ खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आपको मैं बताता चलूं कि 132 मीटर के लगभग सरदार सरोवर बांध भरा जाएगा, उसके बाद गेट खोले जाएंगे, लेकिन अभी 126 मीटर 500 के लगभग ही पहुंचा है। ऐसे में ये जो पुराना पुल है नर्मदा का, वो पूरा डूब चुका है। हम उस वहाँ पर भी ले जाएंगे जहाँ पर ये बांध के मीटर का दायरा बंधा हुआ है। जितेन जरा उस तरफ दिखाइए किस तरह जो है ये बांध पूरा भर चुका है और पुराना पुल भरने को है। ये 126 मीटर 500 के लगभग जो है ये नर्मदा नदी खतरे के कई ज़्यादा गुना ऊपर बह रही है। ऐसे में ये जो पुराना पुल है वो पूरा डूब चुका है और यहाँ पर जो नर्मदा नदी की तस्वीर नज़र आ रही है, वो पानी का बड़ा तेज़ बहाव है। नाव भी चलाने को लोगों को मना किया है, लेकिन हम इसलिए चला रहे हैं ताकि लोगों को आगाह कर सकें कि यहाँ पर काफ़ी तेज़ बहाव है, पानी का भी तेज़ बहाव है, बैकवाटर आ रहा है। बांध के गेट नहीं खोले गए हैं और गेट खोलने के साथ साथ हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। इस तरह क्या नर्मदा नदी है? नर्मदा नदी तो ऐसे हवा, एकमात्र नर्मदा नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, पर ये हवा और बैक वाटर जो रोका है उससे ऐसा लगता है कि उल्टी दिशा में बह रही है। कितना मीटर पानी है अभी? 126-500 पानी पहुंचा है जी। तो ये यहाँ के नाव के रखवाले हैं, नाव चलाने वाले लोग हैं, तो इनसे हमने जब बात की तो काफ़ी खतरे के निशान से ऊपर नर्मदा नदी बह रही है।